क्या आपने कश्मीर का ये मंदिर देखा है जहाँ पिंड दान करने का उतना ही महत्व है जितना बद्रीनाथ या गया का है। कहते हैं कि इसे भगवान विष्णु ने स्वयं बनाया है। अगर नहीं जानते तो चलो मैं बताती हूँ। हाय एवरीवन, द ट्रैकिंग शूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट सर्वेश्ता। इस वीडियो में मैं आपको अनंतनाग से मात्र 6 किलोमीटर पर स्थित ऐसे सूर्य मंदिर के बारे में बताऊंगी जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। कहते हैं कि जिसकी गति रुक गई है वो अगर यहाँ आके स्नान करता है तो उसकी सारी बाधाएं दूर होती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आप जब कश्मीर आए तो आपसे ये मंदिर छूट ना जाए। श्रीनगर से यहाँ यानी मटन मैं कैसे पहुँची ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है। साथ में मैंने पिछले वीडियो में भारत का पहला माना जाता मार्तंड सन टेम्पल भी दिखाया है और आज मैं उसी मार्तंड सूर्य मंदिर से 3 किलोमीटर पर स्थित दूसरे मार्तूर्य मंदिर के दर्शन करवाने जा रही हूँ। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देख लेना ताकि आप जब यहाँ आए तो दोनों मार्तंड सन टेम्पल एक साथ एक ही दिन में कैसे देख सकते हैं वो समझ पाए। इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। चलो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी मैं सूर्य टेम्पल पहुंच चुकी हूँ। वैसे ये नीचे वाला मंदिर है, मुझे इसी रोड पे अंकल ने छोड़ा है और यहाँ से फिर मैं अंदर जाऊंगी। ये देखिए ये मंदिर है। तो यहाँ मंदिर है। तो मंदिर में जाने से पहले आपको पहले ये ऐसे चेकिंग वगैरह करानी पड़ेगी। और ये देखिए ठंड की वजह से ये देखो कैसे हीट ले रहे हैं। ये देसी तरीका है हीट लेने का। देखो मेरे जूते तो बाहर निकाल दिए मंदिर के बाहर, पर यहाँ देखो बर्फ है मंदिर में, तो इसलिए मुझे ये प्रकार के जूते दिए हैं मंदिर के अंदर ताकि मंदिर गंदा भी ना हो। मंदिर दिखाने के साथ साथ मैं आपको मंदिर से जुड़ी वो कहानी भी सुनाऊंगी जो स्थानिक पुजारी अजय शर्मा जी ने मुझे सुनाई है। ये विमल कुंड है और जो वहाँ जो शिवलिंग बीचों बीच दिख रहा है वो कमल कुंड है। ये दोनों ही विष्णु जी के नाम है और ये दोनों ही कुंड भगवान विष्णु ने बनाए हैं। ये प्राचीन सूर्य मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि इसकी जो स्थापना है वो विष्णु भगवान ने की है। इसके पीछे की कहानी ये है कि ये कश्यप मुनि की भूमि है। कश्यप मुनि की 13वीं संतान थे मार्तंड सूर्य भगवान। तो वो एक मृत अंडे के रूप में पैदा हुए थे। कोई मर जाता है तो उसको विसर्जित किया जाता है, वो अंडा मृत था। ये पूरा कश्मीर सतीसर था। सतीसर का मतलब ही लेक होता है। तो ये पूरा सतीसर था। तो कश्यप मुनि ने अपनी 13वीं संतान को जो मृत अंडे के रूप में पैदा हुई थी उसको यहाँ विसर्जित कर दिया। और सतीसर इसलिए था कि माता सती हर रोज यहाँ सुबह स्नान करने आती थी, इसलिए ये सतीसर था। अपने दिनचर्या के अनुसार माता सती स्नान करने आई, उन्होंने वो मृत अंडे को देखा। उस ऊर्जावान अंडे को देखे उन्होंने भगवान शिव को पूछा कि ये क्या है प्रभु। तो उन्होंने बोला कि ये कश्यप मुनि की 13वीं संतान है जो मृत है और उसको विसर्जित किया गया है। तो जब कोई इंसान मर जाता है तो मोक्ष प्राप्ति की बात आती है, तो मोक्ष कौन प्रदान करता है? विष्णु भगवान प्रदान करते हैं। तो सारे देवी देवताओं ने और माता सती ने मिलकर विष्णु भगवान का आह्वान किया और वो प्रकट हुए। उन्होंने उस अंडे में प्राण पूरे और उनका जन्म हुआ। इसीलिए इसे सूर्य भगवान का मंदिर बनाया गया। यहाँ सूर्य भगवान बाढ़ रूप में विराजमान है। पर मार्तंड देव के लिए कोई वरदान नहीं बचा था, तो भगवान विष्णु ने 12 महीने में से कुछ समय निकाल के एक महीना बनाया, अधिक मास कहा गया। और विशेष करके मार्तंड भगवान को ये वरदान दिया कि उनकी उत्पत्ति मोक्ष के लिए हुई थी, इसलिए उन्हें मोक्ष का दाता बताया गया। और यही कारण है कि यहाँ अधिक मास में पिंड दान होता है। तो अधिक मास जो है वो इनको समर्पित किया गया। कि वो बोलते हैं ना, जिसकी गति कहीं रुक गई है, जिसकी गति नहीं हो रही है, वो अधिक मास में पुरुषोत्तम मास में यहाँ आके स्नान करते हैं तो उनका उद्धार हो जाता है। यहाँ के दर्शन करने की बड़ा महत्व है। ये हजारों साल यानी 10,000 साल से भी ज्यादा पुराना मंदिर है। तो जब पुरुषोत्तम मास आता है यहाँ महाकुंभ लगता है और यहाँ भी काफी बड़ी
बड़ा उत्सव मनाया जाता है, तो आप कभी अधिक मास में या पुरुषोत्तम मास में यहाँ आना हुआ तो यहाँ ज़रूर आना। ये अनंतनाग से जो मटन करके गांव है 5-7 किलोमीटर पर स्थित है, बस 10-15 मिनट में पहुँच जाएंगी वहीं पर, जब टैक्सी आपको छोड़ेगी वहीं पर ये मंदिर है, रोड पर ही दिख जाएगा। ये पहाड़ाई प्राचीन मंदिर है, यहाँ विमल कुंड और कमल कुंड है जो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से बनाए थे। वो दोनों ही कुंड में पानी शेषनाग से आता है जो अमरनाथ यात्रा के दौरान आपको बीच में आता होगा अगर आपने वो यात्रा की है तो। अच्छा, विमल कुंड है वहाँ जो पूजा पाठ विधि होती है उसी के लिए वो प्रयोग में लिया जाता है, जबकि कमल कुंड है वहाँ आप स्नान कर सकते हैं, 8 बजे तक आप वहाँ स्नान कर सकते हैं। दूसरी बात, ये 8 महीने तक यहाँ पर आपको रहने और खाने की फ्री व्यवस्था है, यहाँ लंगर चलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। आप दान करना चाहे तो कर सकते हैं, आपके दान से वो लंगर और आगे तक चलेगा। तो आप जब सैन टेम्पल आते हैं तो सूर्य मंदिर आएंगे तो आपको इस प्रकार की एक किताब मिल जाएगी, ये 100 रुपये की है हिंदी में, इसमें आपको अमरनाथ की यात्रा की हिस्ट्री और सूर्य मंदिर की हिस्ट्री मिल जाएगी। और एक और बुकलेट है छोटी सी, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, यहाँ सूर्य मंदिर के बारे में पूरा आपको इतिहास मिल जाएगा। तो आप यहाँ आके इस प्रकार से ये बुकलेट खरीद सकते हैं और हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ डोनेशन वगैरह करना चाहें तो आप अपने यथाशक्ति अनुसार डोनेशन दे सकते हैं मंदिर के लिए। चलो, मुझे प्रसाद मिला है। सो मैं इस रास्ते से आई थी, ये अनंतनाग से आता है रास्ता, ये मटन के मार्केट तक जाता है रास्ता, वहाँ भी एक सूर्य मंदिर है, मारकंडा सूर्य मंदिर जो बहुत पुराना है, वहाँ जो मैंने अपना कमल कुंड और विमल कुंड देख सकते हो। और उसके बाद ये जो दो रास्ते पड़ते हैं, एक ये अनंतनाग वाला और ये ऊपर वाला रास्ता, तो ये वाला सन टेम्पल जाएगा जो ललित आदित्य मुक्तपिंडा ने जो बनाया था सूर्य मंदिर, वहाँ जाएगा मारकंड सूर्य मंदिर की ओर, जिसका वीडियो मैं पहले ही डाल चुकी हूँ। तो अभी तक आपने भारत के पहले मारकंड सन टेम्पल का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना, वरना कश्मीर आए और उसकी आत्मा से बिना रूबरू हुए चले जाने वाली बात हो जाएगी। और ये दोनों सूर्य मंदिर आप एक ही दिन में एक साथ देख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक और नई जगह पर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय हिंद जय भारत।